हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पर फैशन, लाइफ स्टाइल, ब्यूटी टिप्स एंड पूजा पाठ से रिलेटेड बातें की जाती हैं। तो गाइज, आज मैं आई हूं नेचुरल ब्यूटी टिप के साथ। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं घर के सामानों से ही, घर की किचन के सामानों से ही आपको ज्यादातर नेचुरल चीजें बनाना बताती हूँ, और किस तरीके से मैं बनाना बताती हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी ही। और मैंने बनाई है ये नाइट क्रीम, देखिए इस कंटेनर में मैंने इसको भर के रखा हुआ है। तो ये क्रीम आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि बनाऊंगी कैसे, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन आपको साथ साथ इसके फायदे भी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या फायदे हैं इसको लगाने से। तो देखिएगा इसके फायदे क्या हैं। तो इसके फायदे ये हैं कि देखो, आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स या फिर आपकी स्किन लटकी हुई है तो उनको टाइट करने में, ग्लोइंग करने में एंड जो ब्लैक हेड्स हैं उनको लाइट करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। और बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम है, आप यूज करके देखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। सच में मुझे अपने फेस पर थोड़ी सी झाई की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको रेगुलरली ही यूज किया है अपने ऊपर। आपको लगाकर मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको अप्लाई करती हूँ, जैसे जैसे मैं इसको करती हूँ आप मुझे इस चीज का फॉलो करें तो आपको जरूर इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज, ये लिए है मैंने दो बड़े आलू, और आलू को मैंने, अब क्या करना है आपको, आलू को धोकर के इसको साफ कर लेना है। तो मैंने आलू को छील कर धोकर इसको साफ कर लिया है, और अब आपको करना क्या है, इसके अंदर एक आधा नींबू ऐड करना है। तो ये मैंने आधा नींबू इसी के अंदर मिला दिया है। अब आपको क्या करना है इसका, तो देखिए गाइज, अब आपको इसको एक मिक्सी जार, छोटे छोटे पीसों में आपको इसको काट लेना है, और काटने के बाद भी आपको इसको वॉश करना है। जो मैंने आधा नींबू लिया था उसको भी आप इसी में ही ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको मिक्सी जार में इसको पीस लेना है, और पीस के एक बारीक पेस्ट आपको बना लेना है। तो ये बारीक पेस्ट बन चुका है। तो गाइस, अब देखिएगा मैं इसको किस तरीके से छन्नी में छान रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से एक छन्नी से छान लेना है, या फिर कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप इसको अच्छे तरीके से छान लीजिए। तो जिस तरीके से मैं इसको छन्नी की सहायता से छान रही हूँ दबा दबा कर, आपको इसी तरीके से इसको अच्छे से छान लेना है और इसका जूस निकाल लेना है। तो आप जितना भी पेस्ट मैंने पीसा हुआ है उसका सारा जूस इसी तरीके से निकाल लीजिए। तो ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से इसका आपको एक जूस निकालना है, उसको दबा दबा कर पुश करके इस तरीके से। और जो ये आलू का बचा हुआ छलनी में है इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, ये भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखिएगा, और जो बचा हुआ है उसको भी मैं इसी तरीके से छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लूँगी। तो मैंने उसको छान लिया है, और ये लिया है मैंने कच्चा दूध, और ये है आलू का जूस। दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर लेनी है, तो मैंने बराबर ही ली है दोनों को। अब आपको करना क्या है, गैस पे एक बर्तन रखिएगा, बर्तन में दोनों को मिला के उसको एक क्रीम फॉर्म में लेके आना है। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल लिया है दूध को भी, और जो ये आलू का रस था उसको भी। अब आपको लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से एक क्रीमी फॉर्म में इसको लेके आना है। इसको रोकिएगा मत, अगर आप इसको रोक दोगे तो फिर इसके अंदर बीच में गांठें बनती रहेंगी। लगातार आप इसको चलाते हुए, बीच बीच में चलाते रहिएगा, ऐसे लगातार चलाते हुए आपको एक क्रीमी फॉर्म बनाना है इसका। तो ये देखिए मैं जिस तरीके से चला रही हूँ गाइस, इस तरीके से आप चलाते रहें, इसके अंदर गांठें ना पड़ने दें, कोई गांठें इसके अंदर नहीं पड़ेगी। और एक ये क्रीमी फॉर्म में जब आ जाएगा तो आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद। तो ये देखिए मैं लगातार चलाते हुए इसको बना रही हूँ, आपको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको बनाना है। ये देखिएगा इस तरीके, अब थोड़ा थोड़ा ये टाइट होने लगा है, ये देखिए इसी तरीके से आपको लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से बना लेना है। ये देखिएगा, अब जिस जो मुझे जैसी क्रीम बनानी है अब वो इस तरीके से तैयार हो गई है। ये देखिएगा थोड़ा टाइट हो चुकी है, जैसे क्रीम होती है क्रीमी फॉर्म में ये आ चुकी है। ये देखिएगा गाइस, अब आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद, और अब इसको आप रख दीजिए ठंडा होने के लिए।
ये देखिएगा, जब तक ये थोड़ा सा गर्म है इसको चलाते रहिएगा और अच्छे से चलाते रहिए। ये देखिएगा, ये अपने आप ही एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बन चुका है मेरा, ये देखिएगा। और अब ये मैंने कर लिया है थोड़ा सा ठंडा चलाते हुए। ये देखिएगा कितनी अच्छी क्रीमी फॉर्म में आ गया है ये, एक जैसी क्रीम होती है उस तरीके से ही लग रहा है बिल्कुल। तो गाइज ये देखो बहुत अच्छी सी फॉर्म में आ चुका है। आपको क्या करना है, अब इसको ठंडा होने के बाद एक कटोरी लेनी है आपको कांच की, उस कटोरी में आपको इसको खाली कर लेना है। ये देखिएगा मैंने एक कटोरी में इसको ले लिया है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको 2 चम्मच मिलाना है, बड़ी 2 चम्मच। तो मैं एलोवेरा को धीरे धीरे मिलाऊंगी, ये देखिएगा, ताकि ये अच्छे से बहुत अच्छे से मैश हो जाए, मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा एलोवेरा डालते रहें और इसको मिलाते रहें। 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल मिलाना है। तो इस तरीके से मैंने 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल इसके अंदर मिला दिया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें और मिलाते रहें, उससे क्या है कि ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये देखिए मेरा बहुत अच्छे से मिल चुका है। और इस तरीके से मिलाते रहिए थोड़ा हिला हिला कर इसको। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर दिया है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप इस तरीके से ही एलोवेरा जेल को मिलाएं और इसको बहुत अच्छे से इसमें मिलाना है। तो इस तरीके से देखिए मेरा मिल चुका है। अब मुझे लेना है बादाम का तेल। तो बादाम का तेल आपको वो लेना है जो आप खाली बादाम का तेल ही होता है, जो हेयर में लगाते हैं वो वाला ऑयल आपको नहीं चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से मिलाना है। ये है विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्क्रब कर दीजिए। तो मैं तो इसमें मिला लूँगी, ये देखिएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो थोड़ी ड्राई स्किन हो जाती है और मेरी थोड़ी सी ड्राई स्किन है, तो इसलिए मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। यह है विटामिन ई का कैप्सूल, ये देखिएगा मैंने इसमें 2 कैप्सूल को मिलाया है। इसमें आप चाहे तो आप एक भी मिला सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको रहने दें, ना मिलाएं। खाली इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये मेरी बहुत अच्छे से क्रीम बनकर हो गई है तैयार। तो मुझे अब करना क्या है, मुझे एक खाली कंटेनर लेना है। ये मैंने कंटेनर लिया है, अब मैं इसमें इसको स्टोर कर दूँगी। आपको स्टोर करके इसको 6 से 7 दिन आप इसमें स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं इसको। तो ये देखिए बाहर मत रखिएगा, फ्रिज के अंदर ही रखिएगा। तो ये देखिए मैंने कंटेनर में इसको भर लिया है और अब मैं इसको कर दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, स्टोर कर दूंगी। ये 6 से 7 दिन तक चल जाएगी आपकी। बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, आप गाइज यूज़ करके देखिएगा। तो देखिए गाइज इसको लगानी कैसे है। वैसे तो इसको नाइट में लगाना है, नाइट में लगाकर आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिए। अगर आप दिन में भी लगाते हैं तो बाहर लगाकर ना जाएं इसको। तो मैंने इसको इस कंटेनर में भर के रखा है। तो अब मैं ले लूँगी इसको थोड़ी सी इस तरीके से, ये देखिएगा। तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस पर इस तरीके से इसको लगाना है। देखिएगा फेस पर मेकअप नहीं होना चाहिए, बस मेरे फेस पर थोड़ी लिपस्टिक लगी हुई है। बाकी मैं आपके साथ कोई भी रेमेडी शेयर करती हूँ तो मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं होता है। तो ये देखिएगा आपको इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको इसकी मसाज करनी है रात में। ये देखिएगा तो गाइज आप इसको जरूर यूज करिएगा, बहुत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ साथ आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह, डार्क सर्कल वगैरह को लाइटिंग करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो आप जब तक आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब्स नहीं हो जाती है, आप इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज कर ले। 2 मिनट के बाद आप इसको ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा और
सुबह के टाइम अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, ठंडे पानी से आपके फेस को, अपने फेस को आपको धोना है इस तरीके से। आप डे नाइट में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रात को लगाओगे तो आपको ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि डे में बाहर जाना पड़ता है तो बाहर आप इसको नहीं लगाकर जा सकते हैं। ये देखिएगा, आप देख रहे होंगे साथ साथ लगाने में ही कितनी इससे चमक आई है, कितनी ग्लोइंग आपको देगा ये। आप इसको यूज करके जरूर देखिएगा गाइस, सच में बहुत ज्यादा अच्छी है इस तरीके से। तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट के लिए लगाकर अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो देखिएगा गाइस, मैंने अपने फेस को यहाँ पर वॉश कर लिया है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो अभी से फेस पे देखिए कितनी चमक आ चुकी है, जस्ट मैंने तो आपको फेस धो के दिखाया है। जब आपको पूरी रात इसको रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। देखिएगा, देखो कितनी चमक साथ साथ इससे आई है, ये देखिएगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो वीडियो डालती हूँ, जो वीडियो अपलोड करती हूँ, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ गाइज, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ और छोटी छोटी वीडियो के साथ। तो नमस्ते एंड बाय बाय गाइज़।